हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी फॉर। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड आपका पृष्ठ रसायन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, लगभग 80 क्वेश्चन में लिया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल स्टूडेंट या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ आप ट्वेल्थ का भी होंगे तो आप देख सकते हैं, ये हानि नहीं करेगा, लेकिन यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ये आपका पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के लिए। मैं इसी तरह केमिस्ट्री के हर इम्पोर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई ठीक नहीं है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि बीएचयू वाला जो एग्ज़ाम है वो मेरा है बीएड का, तो वो आपका एग्ज़ाम लॉन्च हो गया, आज से 24 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, 30 तक चलेगा, तो मेरा 30 को है, लेकिन एडमिट कार्ड अभी इशू नहीं दिखा रहा है। लेकिन जितने लोग पीईटी के हैं उनका दिखा रहा है, हम मेरा यूटी है, आप लोग नहीं समझेंगे फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब बीएचयू का एग्ज़ाम हो गया तो पैरामेडिकल का भी पॉलिटेक्निक का भी होना चाहिए, उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई मतलब होगा ही जल्द ही जल्द एग्ज़ाम का। तो अपना तैयारी मजबूत रखिए, और इसी तरह मैं केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी का भी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। और आपका ये 2015 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आवाज़ ठीक से नहीं आया और मैं ठीक से नहीं कर पाया हूँ, तो उसका मैथ का भी वीडियो मैं ला दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आवाज़ क्लियर नहीं है, तो पूरा ठीक से नहीं हो रहा है, तो लेकिन क्वेश्चंस पूरा बताए गए हैं तो उसको फिर से मैं कर दूंगा। फिलहाल अभी देखते हैं हम केमिस्ट्री का। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में किसके लिए हिमा का अवनमन अधिकतम है, तो किसके लिए है हिमा का अवनमन, तो ये होता है आपका K2SO4 में। देखिए हिमांक का अवनमन जो है, जो भी पदार्थ है जो अणुसंख्यक गुणधर्म रखता है उसमें हिमांक का अवनमन होता है। एक होता है, देखिए आइए गया यही दुए नंबर क्वेश्चन से, देखिए यहीं पर है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो देखिए हिमांक का अवनमन अभी अभी मैं बताया, यह रखता है जो पदार्थ अणुसंख्यक गुणधर्म रखता है उसमें हिमांक का अवनमन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, ये तीनों चीज़ होता है। तो बच कौन गया नहीं, तो ये हो गया प्रकाशीय क्रियाशीलता, यह नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा और इसका आपका K2SO4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन 11th में ही क्वेश्चन है, 11th का ही है। देखिए सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल में, देखिए मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में ही, 11th के मोल कॉन्सेप्ट में होता है कि मोल बराबर वी बटा मतलब आयतन बटा 22.4 होता है। तो देखिए यह मोल संख्या, तो मोल के संख्या जब एक होगा मतलब एन के जगह अगर आप एक रखते हैं तो वी का मान कितना होगा, ये आयतन ही ना पूछ रहा है, तब वी बराबर कितना हो जाएगा, तब भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 22.4 से एक में गुना करिएगा तब क्या होगा, 22.4 ही होगा, मतलब एक मोल जब रहेगा तो आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। चलिए 199, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविड अम्ल कौन सा है, प्रबल लिविड कौन सा है, तो ई है इस समीक इस सूत्र के अनुसार है आपका BCl3, ठीक है, BCl3 सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल है तो थोड़ा समय से पूरा डील करूँगा, तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। देखिए यह क्या है, आपको निकालना क्या है, मोलर, क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, मोलर सांद्रता निकालना है आपका, मोलर सांद्रता, मैं इसको एम सिर्फ लिख रहा हूँ, मोलर सांद्रता बराबर क्या होता है, जो भी आपका पदार्थ दिया है, मान लीजिए टोटल है आपका, टोटल बिलियन में क्या होता है, बिले और बिलैक दो चीज़ होता है, तो ऊपर हम लिखते हैं बिले, तो बिले कौन सा है आपका, चीनी है, कितना है, तो 34.2 है, ठीक है, अगुने 1000 होता है, फॉर्मूला में ही होता है, और बाटा आपका कितना विलायक है और कितना बिले है, तो विलायक कितना है, तो आप घटाइएगा, टोटल बिलियन हो गया, यह बिले हुआ, तब बिलियन में से बिले घटा लीजिएगा तब विलायक बचेगा, क्योंकि बिले प्लस विलायक बराबर बिलियन बनता है, तो इतना में से आप 34 पॉइंट इतना घटा लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, तो आपका 200 बच जाएगा, बच जाएगा ना, इसमें से आप घटाते हैं 34.42, तो इसमें से आपका 200 बचेगा, और इसके नीचे हम लिखते हैं कितना आपका भार है, मोल कितना,
तो ये आपका किस कौन सा है, तो चीनी है। चीनी का क्या होता है, तो C6 फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब इसको टोटल अणुभार जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 342। टोटल जोड़िएगा सबका, आपका कार्बन का कितना होता है, तब 12। कै गो है तो 6 गो, तो 12 6 72 हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन का 1 गो और 12 गो है तो 12 गो, तो इसी तरह 72 गो 12 गो 84 गो, और ये 1 गो का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 6 96। तो इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा और टोटल आपका आएगा इतना 342 आएगा। तो इसको काट छाट करिएगा तो देखिए यह पॉइंट हटा तो नीचे को 0 और बढ़ गया, तो देखिए 342 342 से कैंसिल हो गया। देखिए 3 गो 0 3 गो 0 खत्म कर दिया, बच क्या गया 1/2 1/2 बच गया आपका। तो 1/2 किसके बराबर, तो 0.5 के बराबर। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ जो लिख रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा मोलर सांद्रता घोल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 ही आपका न्यूमेरिकल है तो उसके बाद आपका सिर्फ सब्जेक्टिव टाइप इस तरह से होगा। देखिए 5 ग्राम केन शुगर आपका इतना दे दिया, आइसोटोनिक है। अब 1 मोल ग्राम देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका M1 कितना हो गया आपका दे रखा है, M1 मान लिए मैं प्रथम पदार्थ का 242 दिया है, और W1 कितना हो गया तो 5 ग्राम मान लीजिए, और भी कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो 100% होगा। इसी तरह ये सब 1-1 करिएगा, M1 W1, इसी तरह 2 पर करिएगा तो M2, इसी का ज्ञात करना है मोलर सांद्रता अनुभार वहीं ज्ञात करना है। M2 बराबर वाट x मान लीजिएगा, इसी तरह W2 कितना है, तो देखिए 1% है तो 1 ग्राम मान लीजिए, और भी कितना हो जाएगा तो 1000 वॉल्यूम। अब इसी को गुना में लिखिएगा तो आपका ये कट जाएगा, मतलब फाइनली आपका मैं आपको बता दूँ एक काट रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ऊपर आपका काटने छाटने के बाद आपका 342/5 चला जाएगा, बाकी सब आपका क्या है वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कट जाएगा, सब सब है तो उसमें आएगा RT। यहाँ परासरण दाब आता है यहाँ पर, ठीक है, परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, तो π1 बराबर π2। अब इसी का फॉर्मूला होता है RT CRT सेम होगा तो कट कर C1 और C2 बचेगा, उसको बराबर लिखिएगा और इस तरह से आएगा तो आपका वॉल्यूम कट कर इतना आएगा, इसको काटिएगा आपका 68.4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 और न्यूमेरिकल मिलेगा, बाकी यहाँ न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए मैं इस पर तो बताना मुश्किल है, लेकिन बोर्ड पर जब मैं न्यूमेरिकल मैथ पढ़ाऊँगा आपका उस समय दोनों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को फिर से डील कर दूँगा। ठीक है, चलिए दूध है तो दूध क्या है, एक तो दूध यह एक दूध एक प्रकार का जल में परिक्षेपित वाष्प है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यही चैप्टर आपका पढ़िएगा पृष्ठीय रसायन तो लास्ट में मिलेगा ये चीज़, जैसे दूध पायस जो हो गया तो सब इमल्सन का होता है प्रकार, इसी तरह धुआं किसका होता है, ये सब एरोसोल का धुआं होता है, आगे सब मिलेगा। चलिए तो ये हो गया आंसर नंबर ए। चलिए 223 किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करिए। अब यहाँ मोलरता आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, m हो गया मोलरता। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टोटल बिलियन दे दिया है 200 बिलियन के इतना ग्राम, 200 बिलियन में आपका कितना 2 ग्राम है, क्या है तो NaOH है, तो NaOH का टोटल अणुभार निकालिएगा तो कितना आएगा आपका, ये टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, आपका सोडियम का 23 हो गया और ऑक्सीजन का आपका कितना हो जाएगा 16 और 1 कितना हो गया 40, तो नीचे लिख दीजिएगा 40 और गुने ऊपर 1000 हो जाएगा। अब काटिए छाटिए देखिए दो कट जाएगा, ये 00 इसमें का कट गया, इसका एक कट गया, बच क्या गया 1/4 1/4 बचा ना, तो 1/4 किसके, इसको करिएगा काटिए छाटिएगा तो 0.25 के बराबर आएगा, तो आंसर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलरता पढ़े होंगे तो अब समझ में आया होगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए इसके बाद न्यूमेरिकल नहीं है तो तेजी में चलिए। जब प्रकाश पुंज कोलाइड बिलियन से गुजारा जाता है तो क्या होता है, तो कोलाइड बिलियन जब बिलियन से गुजारा जाएगा तो उसमें आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जब प्रकाश पुंज को कोलाइड बिलियन से गुजरते हैं तो।
ठीक है चलिए 205 जातव झिल्ली में छन जाने वाले बिलियन कहलाते हैं। जो छानने वाला चीज़ है तो होता है तो उसमें जब छन जाता है जो बिलियन उसको क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं समांगी बिलियन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए छन जाने वाले बिलियन कहलाता है। तो छन जाने वाले बिलियन क्या कहलाता है तो समांगी बिलियन कहलाता है। नहीं ये गलती है, जो छन जाएगा समांगी बिलियन का मतलब तो पूर्णतः मिल गया वो न छने छानत तो ये क्या है आपका छानतव छानतव झिल्ली में छन जाने वाला तो इसका आंसर निलंबन होगा। निलंबन कौन सा हो जाएगा तो निलंबन जब पानी में और बालू को घोलते हैं तो आप छानिएगा तो बालू आराम से छाना जाएगा कि नहीं तो उसे हम निलंबन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ठीक है। बी में का जो है ये छानिएगा तो ये छन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झाग में परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपित दशा है तो कौन सा है तो वो है आपका ठोस और गैस। ऑप्शन नंबर ए है आपका झाग। झाग में परिक्षेपण माध्यम परिक्षेप दशा क्या है तो ठोस और गैस का है ठीक है। चलिए 207 देखिए। चिमनी के धुएं निकलने वाला धुआं मैं बोला था ना किसका उदाहरण है तो जो धुआं निकलता है वो किसका उदाहरण होता है तो होता है गैस में ठोस का। गैस में ठोस का उदाहरण होता है धुआं ठीक है। ये गाड़ी का भी धुआं उसी में आ जाएगा। चलिए 208 देखिए। इसे एरोसोल भी कहते हैं। चलिए किसी कोलाइड बिलियन में वैद्युत अपघटन मिलाने पर क्या होता है तब वैद्युत अपघटन मिलाइएगा तब होगा अस्कंदन होता है। ऑप्शन नंबर सी अस्कंदन होता है। वैद्युत अपघटन में जब मिलाइएगा बिलियन में तो अस्कंदन अस्कंदन का माना होता है कि जम जाए जैसे कि दूध से दही बन गया तो दही बनेगा तो एक जम जाएगा ना तो जमना ही अस्कंदन कहलाता है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। H2S प्रवाहित करने पर यदि कोलाइड गंधक का पीला अवक्षेप प्राप्त हो तो कोलाइड बिलियन की प्रकृति होगी तो कोलाइड बिलियन की प्रकृति कैसी होगी तो वो होगी आपका ऑप्शन नंबर सी संकुलन कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी संकुलन कारक जैसा होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 तो क्या है आपका एक मिनट 109 है ना तो ऑक्सी बिलियन का नहीं इसका ये आंसर नहीं होगा संकुलन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। ए आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सी कारक हो जाएगा जब पीला। चलिए तो ये पीला अवक्षेप प्राप्त करेगा तो ये ऑक्सीकृत कर देगा तत्व को तो ये ऑक्सी कारक होगा। चलिए 210 माध्यम में कोलाइडी कणों की अनियमित गति जिग जैंग मोशन जो होता है ना ये एक गति है तो इसे ब्राउनी गति कहते हैं। आप देखे होंगे जब प्रकाश किरण किसी मान लीजिए अंधेरा है और किसी छिद्र के माध्यम से आता है प्रकाश किरण तो उसमें देखते हैं कण जो होता है एकदम बहुत सा कण होता है और इधर उधर हमेशा चलते रहता है तो वो कभी इधर जाएगा इधर जाएगा मतलब इसका दिशा अनिश्चित होता है कि इधर चल जाता है तो उस जो दिशा में वो गति करता है जो कण उस समय उसी कण के गति को हम बोलते हैं ब्राउनी गति। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। ब्राउनी गति को बोलते हैं आपका जिग जैंग मोशन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब कोलाइड घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो घोल में लगता है इसका कारण यह है कि कोलाइड ये घोल चमकने लगता है यहाँ पर चमकने छूट गया चमकने लगता है इसका कारण यह है कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश की किरणें यह विकृत हो जाएगा किरणें विकृत हो जाता है तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है तो इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव में जब भी कोलाइड बिलियन से धारा प्रकाश किरण प्रवाहित करेंगे तो प्रकीर्णन होगा प्रकीर्णन होना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है। अब कोलाइड घोल कौन सा नहीं है जी तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जल जो है यह कोलाइड घोल नहीं है। जल कोलाइड घोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है तो कब होता है और किस में होता है तो आपका कोलाइड बिलियन में होता है कोलाइडे में ना आपका होता है टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलाइड
द्वारा होता है आपका टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन, अभी अभी बताया था। अब देखिए ये वास्तविक घोल कब होता है, जब कण का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा तब वो वास्तविक हो जाएगा। देखिए कोलाइड विलयन के कण का साइज होने के लिए कितना है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम होता है तो वो कोलाइड विलयन का होता है। जब 1 नैनोमीटर से कम होता है तो वास्तविक विलयन, और जब 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाता है कण का साइज तो वो निलंबन में आ जाता है। किस में? निलंबन में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइड कण अवक्षेपित होते हैं कहलाते हैं, तो अवक्षेप के रूप में होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे स्कंदन कहेंगे। बोला था ना मैं अवक्षेप के रूप में, जैसे दूध से दही बन गया तो दही एक अवक्षेप के रूप में ही है, तो अवक्षेप बनना ही स्कंदन कहलाता है। ठीक है, चलिए 215। जब एक द्रव दूसरे द्रव में स्वलेशांबित स्थिति में वितरित रहता है तो ऐसे विलयन को कहा जाता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे विलयन को पायस कहा जाता है। ठीक है, पायस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपमार्जक को कहा जाता है, तो अपमार्जक को क्या कहा जाता है, तो अपमार्जक को आंसर टिक कर दिया गया है, यह अपमार्जक को हम कोलाइड कहते हैं, इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा, कोलाइड कहते हैं अपमार्जक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिशोषण द्वारा अवक्षेपण अनुमानों के अत्यंत बिंदु के निर्धारण में प्रयुक्त क्या है, 217 प्रयुक्त कसून है, माने प्रयुक्त कसून है, यह कसून है यहाँ पर लिखा है, तो माने प्रयुक्त होना ये क्या है, कौन सा है, तो ये है अधिशोषण सूचक है। कसून क्या है, तो अधिशोषण सूचक सूचित करेगा कि यह कसून है। ठीक है, चलिए 218। किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है, तो वो है आपका जिलेटिन का स्वर्ण संख्या कम है, माने गोल्डन नंबर स्वर्ण, तो जिलेटिन का सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऑक्जेलिक अम्ल के सक्रिय चारकोल पर अधिशोषण में चारकोल कहलाएंगे, तो क्या कहलाएंगे चारकोल, तो वो कहलाएंगे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अवशोष्य कहलाएंगे। ठीक है, चारकोल क्या करता है कि वो जितने भी गंदगी चीज़ होता है वो अवशोषित कर लेता है। अब चारकोल के रूप में जैसे हड्डी हुआ किसी जानवर का, उसका यूज करते हैं। आप देखे होंगे चीनी जब पेराता है तो उसमें साफ करने के लिए वही चारकोल डाला जाता है, उसमें जितना गंदगी होता है वो सोख लेता है और उसे बाहर कर लेते हैं, शुद्ध मिल गया और चीनी बना लेते हैं। इसीलिए किसी पूजा पाठ में चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ मीठा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए 220। विद्युत अपघट्य ताजे अवक्षेप में मिलकर कोलाइड विलयन को बनाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है पेप्टीकरण। क्या कहलाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। चलिए 221 नंबर। कोलाइड अवस्था में कणों का आकार होता है, देखिए अब यहाँ एंगस्ट्रम में वैल्यू दिया है, मैं नैनोमीटर में मैं आपको बता दिया हूँ, तो आपका कण का आकार एंगस्ट्रम में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 10 एंगस्ट्रम से लेके 1000 एंगस्ट्रम होता है, यही नैनोमीटर में होता है, तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, माने 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम। एंगस्ट्रम में बोले तो 10 एंगस्ट्रम से अधिक और 1000 एंगस्ट्रम से कम होता है कोलाइड विलयन के कण का आकार का साइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइड विलयन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है इमल्सन कहलाता है, माने तेल तथा पानी से संयोग से बना कोलाइड इमल्सन कहलाता है। देखते हैं दही जो है इमल्सन का ही रूप है, ठीक है, दूध आपका इमल्सन का ही रूप है, उसमें तेल का मात्रा होता है, पता है ना घी मिलता है तो घी तेल ही नहीं खाए, और उसमें पानी का भी मात्रा होता है, उसे इमल्सन का रूप होता है। चलिए 223। कोलाइड को आवेश विहीन करके अवक्षेपित करना कहलाता है,
तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्कंदन कहलाता है। ठीक है, स्कंदन अब अवक्षेप के रूप में तो आ ही गया था पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेज उदाहरण है, तो यूरेज किसका उदाहरण है, तो आपको बताना है यूरेज किसका उदाहरण है, तो वो है एक एंजाइम का है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये एक एंजाइम का उदाहरण है यूरेज। चलिए 25, अधिशोषण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार के किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या करता है, तो किस प्रकार के करता है, तो वो करता है आपका विस्मांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी विस्मांगी उत्प्रेरण का काम करता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन कौन सा एक द्रव स्नेही कोलाइड है, अब कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, तो वो है आपका गोंद। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड कौन है, तो गोंद है, गोंद। ठीक है, ये सभी भी आपका कोलाइड ही है, लेकिन द्रव स्नेही कौन है, तो गोंद है। चलिए 227, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, बोलिए किसमें संभव नहीं है टिंडल प्रभाव, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी शर्करा बिलियन, शर्करा बिलियन मतलब चीनी के बिलियन में, चीनी का बिलियन बन जाएगा तो समांगी मिश्रण बन जाएगा, और समांगी मिश्रण बन जाएगा तो वो आपका कोलाइड नहीं रहेगा, वो एक वास्तविक बिलियन हो जाएगा, तो इसलिए उसमें आपका टिंडल प्रभाव देख पाना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु की सतह पर बंधे रहते हैं, क्या बंधे रहते हैं, तो वो बंधे रहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी वांडर वाल बल द्वारा। ठीक, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु कैसे बंधे होते हैं, तो वो वांडर वाल बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहरा उदाहरण है, तो कोहरा किसका उदाहरण है, तो कोहरा आपका अब यहाँ पर ये अभी कोलाइड ही है, लेकिन उसमें का परिक्षेप प्रवस्था किस रूप में होता है और परिक्षेपण किस रूप में होता है, तो वह होता है आपका द्रव गैस में, माने द्रव और गैस, द्रव गैस में मिश्रण होता है कोहरा का, द्रव लिक्विड पानी होता है ना कोहरा में, और गैस भी होता है। ठीक है, चलिए 230, रक्त पर आवेश पाया जाता है, तो रक्त पर आवेश कितना पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, रक्त पर आवेश ऋणात्मक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, चलिए 231, स्कंदन कारकों की घटित हुई स्कंदन क्षमता का क्रम है, तो कौन सा क्रम सही है, तो वो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ये सही है, जिसका आपका देखिएगा त्यागने का इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका स्कंदन ज़्यादा होगा, तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद बेरियम, इसके बाद सोडियम, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, देख रहे हैं इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसके आधार पर बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन कोलाइड नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड बिलियन नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर डी सादा पानी, सादा पानी आपका कोलाइड बिलियन नहीं है, बाकी सभी कोलाइड का ही उदाहरण है। चलिए 233, स्वर्ण सोल का रंग नीले से लाल कर देता है, तो वो कैसे कर देता है, तो वो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर, 10% नमक का बिलियन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव स्नेही कोलाइड का स्थायित्व का प्रमुख कारण है, तो कौन सा प्रमुख कारण द्रव, तो ये है आपका आवेश, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, आवेश है आपका द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण है, आवेश में होना वो द्रव स्नेही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव स्नेही कोलाइड होने कोलाइड अस्थायी होने का कारण है, तो अभी अभी मैं बताया था, तो ये हो जाएगा कणों का आवेश, अभी जस्ट क्वेश्चन हुआ था, तो कणों पर आवेश होना ही अस्थायी कोलाइड का बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है वैद्युत कोण संचलन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर, पोलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पोलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण, तो वो कहलाता है उड़नन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी उड़नन कहलाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर, गैसों का ठोस सतह पर भौतिक अधिशोषण का कारण है, तो ये बल किस बल से बंधा रहता है, तो ये आपका वांडरवाल बल, ऑप्शन नंबर
सी आपका आंसर हो जाएगा। वंडर वाल बॉल से बंधा होता है, वंडर वाल बॉल बहुत कमजोर होता है, जल्दी ये छूट जाएगा। मान लीजिए किसी लोहा पर धूल माटी जम गया तो वो अभी एक अधिशोषण ही हुआ, भौतिक अधिशोषण, उसे फूकिएगा उधिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बीच का जो बंधन है कमजोर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39, एंजाइम का मुख्य अवयव है, तो एंजाइम का मुख्य अवयव कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन है। एंजाइम का मुख्य अवयव प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट, सीसा कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, यानी सीसा के बनाए में प्रक्रम में कौन सा उत्प्रेरक होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल का शुद्धिकरण करने में प्रयुक्त होता है, तो जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका फिक्टीरी का, ऑप्शन नंबर सी, फिक्टीरी का प्रयोग होता है जल के शुद्धिकरण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखिए फिटकीरी नहीं, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए, आंसर आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होना चाहिए, फिर भी मुझे इस पर कुछ डाउट लग रहा है, तो आप लोग क्लियर करके कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, 42 नंबर, कोलाइड पर आवेश की जानकारी प्राप्त होती है, कोलाइड पर आवेश की जानकारी प्राप्त कैसे होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, स्टैनलेन उपकरण द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कंदन कारक पर आवेश से स्कंदन की व्याख्या की थी, तो किसने की थी, तो वो किया था ऑप्शन नंबर सी, हार्डिंग एवं सुलझे ने आपका स्कंदन कारक पर आवेश के स्कंदन की व्याख्या की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलेटिन के स्कंदन हेतु सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो कौन होता है सबसे अधिक प्रभावी, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल होता है जिलेटिन के स्कंदन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 245, द्रव स्नेही कोलाइड स्थिर होते हैं क्यों, तो द्रव स्नेही कोलाइड स्थिर क्यों होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी के कारण, माने उनके कोणों पर परिचित माध्यम की परत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो कौन सा उत्प्रेरक है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया को अमोनिया कार्बोनेट में बदलने वाला एंजाइम कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरिएस कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कहलाता है, कौन का है आपका ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने वाला, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाइमेज है ग्लूकोज को वह परिवर्तित करके एथेनॉल में बदल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक, माने किसने उत्प्रेरक का व्याख्या किया था, तो वो किया था बर्जीलियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, बोलेगा कि उत्प्रेरक का खोज किसने किया, तो वो बर्जीलियस ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड कणों की आकृति रहती है, देखिए अभी मैं बताया था, तो कितना रहता है ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो तीन को चीज़ में आपका हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ई होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10^-7 से 10^-5 सेंटीमीटर तक, देखिए एंगस्ट्रम में 10 एंगस्ट्रम से आपका 1000 एंगस्ट्रम के बीच, नैनोमीटर में तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, तीन को चीज़ में आपका क्लियर हो गया, कोलाइड बिलियन के कोण का आकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियन विरागी कोलाइड कहलाता है, कौन है बिलियन विरागी कोलाइड, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए, विलायक स्नेही कोलाइड कहलाता है, तो क्या कहलाता है विलायक स्नेही कोलाइड, तो वो कहलाता है आपका लायोफिलिक, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी वही आंसर हो गया, लायोफिलिक कहलाता है।
जो स्नेह करेगा बिलियन से वो लाइफ को भी खाए, लाइफ ही लिखा है, मतलब लाइक कर रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड कणों की गति जिग जैंग होती है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसको ब्राउनी गति भी कहते हैं, मतलब किसने किया है, उसके नाम पर ही है, ब्राउनी ने किया है, ऑप्शन नंबर डी, ब्राउनी ने किया है। चलिए 54, दूध एक उदाहरण है, बोलिए किसका उदाहरण है दूध? तो दूध किसका उदाहरण है, देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनेगा, तो दूध आपका पायस का उदाहरण है, ठीक है, दूध पायस का उदाहरण है, इसको इंग्लिश में इमल्शन बोलते हैं, क्या इमल्शन, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, पायस को ही इंग्लिश में इमल्शन बोलते हैं, तो दूध किसका उदाहरण है, इमल्शन का या फिर पायस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पायसी कारक करता है, कौन करता है पायसी कारक करता है, तो ऊ का करता है, तो ऊ करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पायस के स्थिरता पर, ठीक है, पायस के, पायस को स्थिर करता है पायसीकरण में, ठीक है। चलिए आर्सेनिक ऑक्साइड AH2O3 उदाहरण है, किसका है, तो ये आपका आर्सेनिक है, आर्सेनिक का AS संकेत होता है, तो ये क्या है आपका, तो ऊ है आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 उत्प्रेरक का, ठीक, 20 उत्प्रेरक का है, ठीक है, जो भी होगा रिएक्शन उसमें या 20 का काम करे, रिएक्शन को रोकेगा, ठीक है, तो इसीलिए 20 उत्प्रेरक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगम्यूर लैंगम्यूर आइसोथर्म के अनुसार दाब बढ़ने पर अधिशोषित गैस की मात्रा कितना होती है, तो अधिशोषित गैस की मात्रा वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर ए क्या होती है आपका, वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया का वेग या दर क्या होता है, माने उत्प्रेरक पर रासायनिक का वेग या दर क्या करता है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक जो है आपका बढ़ाता है या क्रिया चल रही है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए क्वेश्चन में किस तरह से आंसर दिया जाता है, अगर दे दिया कि आपका उत्प्रेरक बढ़ाता है या घटाता है, ई सही हो जाएगा, या फिर अगर ये क्वेश्चन में ऑप्शन ना रहे या दे दे बढ़ता है घटता है, ये दोनों मतलब भले तीसरा कुछ और दे देगा चौथा कुछ और दे देगा, तो वहाँ बढ़ता मारिएगा, लेकिन यह क्या है बढ़ा घटा सकता है, ये आंसर आपका हो जाएगा डी। और वास्तव में उत्प्रेरक का काम है आपका रिएक्शन को तेज करना या कम करना, लेकिन अगर ना रहे ऑप्शन यह बढ़ाता या घटाता तो सिर्फ बढ़ाता मारिएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर, निम्न में से धनावेशित सॉल का उदाहरण है, तो कौन है धनावेशित सॉल का, तो वह है जिलेटिन, देख लीजिए जिलेटिन का बहुत बार यूज हो गया नाम, तो ये जिलेटिन का प्रयोग धनावेशित सॉल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्सेनिक सॉल के अवक्षेपण की क्षमता निम्न में से किस बिलियन में अधिकतम होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, किधर गया, इधर है AlCl3 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर, हाँ 261, प्लेटिनम या पीटी प्लेटिनम का है, प्लेटिनम का उपयोग निम्न में से किस रासायनिक क्रिया में किया जाता है, तो प्लेटिनम में किसके में, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, NH3 से NaOH बनाने में आपका प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए 262, हाँ तो ये पता चल के ना, NH3 से आपको अमोनिया से NH3 प्राप्त करने में प्लेटिनम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयतन आयनन की कोलाइड को अस्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है आपके मात्रा एवं आवेश पर, ऑप्शन नंबर सी, मात्रा एवं आवेश पर निर्भर करती है। चलिए 263, कोलाइडिक कणों का आकार होता है, देखिए अब यहाँ पर आपका दूसरे वैल्यू में आ गया मीटर, म्यू में आ गया वैल्यू, तो इसमें भी जान लीजिए, अब यहाँ पर तीनों में बताऊँगा फिर से, तो ये ऑप्शन नंबर ए बी आपका आंसर हो जाएगा, 1 मीटर म्यू से 100 म्यू, अब नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, एंगस्ट्रम में तो 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम के बीच,
ठीक है। अब सेंटीमीटर में क्या था, 10^-7 सेंटीमीटर से, 10^-7 सेंटीमीटर से 10^-5 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो चार को वैल्यू आपको पता चल गया इसके कोण के साइज का, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू दे तो आपको बन जाना चाहिए। चलिए, ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलाइड तंत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, जेल कहलाता है। ठीक, ठोस में द्रव परिक्षेपित कोलाइड तंत्र कहलाता है, तो जेल कहलाता है। चलिए, 265, आइसक्रीम बनाते समय जिलेटिन मिलाते हैं क्यों, यह मतलब तो उसमें क्यों जिलेटिन मिला जाता है ताकि थोड़ा जमल रहे। ऑप्शन नंबर बी, आइसक्रीम की को जमाने के लिए, ठीक है। देखते हैं, आइसक्रीम जमा रहे इसीलिए जिलेटिन मिलाया जाता है, नहीं मिलाइएगा तो पिघल जाएगा जल्दी, समझे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइड अवस्था की जानकारी दी थी, तो किसने दी थी कोलाइड अवस्था की जानकारी, तो वह दी थी आपके ऑप्शन नंबर सी, थॉमस ग्राहम ने। ऑप्शन नंबर सी आंसर, थॉमस ग्राहम ने दिया था कोलाइड अवस्था की, ठीक है। चलिए, 67, कोलाइडल घोल उदाहरण है, इसमें का कौन सा उदाहरण है कोलाइडल घोल का, तो ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी घोल का। देखिए, समांगी हो जाएगा तो वास्तविक घोल हो गया, जटिल घोल या नहीं होगा, विषमांगी घोल आपका कोलाइडल घोल का उदाहरण है। चलिए, दूध दूध में वस्तुतः क्या होता है, तो दूध में साधारणतः तो आपका जल और फैट, ऑप्शन नंबर सी, जल और फैट एक दूसरे में परिक्षेपित रहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, तो क्या है टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत, तो वह है जीभ की लार, ऑप्शन नंबर सी। टाइलिन आपका होता है ना, लार में क्या पाया जाता है, तो टाइलिन अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 271, निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिलेटिन है द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, x/m तथा p के मध्य संबंध स्थापित किया था, तो किसने किया था, तो वो किया था आपका फ्रेंडलिक ने किया था, फ्रेंडलिक ने किया था x/m और p के मध्य संबंध स्थापित। चलिए, 273, एक बहुस्तरीय अधिशोषण होता है, तो कौन होता है बहुस्तरीय शोधन, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सतह अधिशोषण, ठीक है। सतह अधिशोषण जो है आपका बहुस्तरीय अधिशोषण है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या बताया गया था आपके संबंध में, ये देखना है कि मध्य वक्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अधिशोषण समतापी वक्र, ऑप्शन नंबर ए, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है इसके मध्य का जो भी उसमें रिलेशन निकलेगा उसमें, उसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस खत्म है 77 तक, निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है, अब इनमें से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, तो ये कई बार हो गया आपका गोंद है, द्रव स्नेही कोलाइड गोंद है, अब एगो जिलेटिन भी आ रहा था बार बार, वो अभी द्रव स्नेही में आता है, ठीक है। चलिए, कोलाइड सॉल है, कौन सा इसमें का कोलाइड सॉल है, तो इसमें का कोलाइड सॉल है आपका विषमांगी सॉल, विषमांगी सॉल आपका कोलाइडी सॉल में के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये रहा अंतिम क्वेश्चन, बनाइए, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, साबुन ग्रीस को मतलब कपड़ा में ग्रीस लगे तो वो किसके माध्यम से निकालता है उसके बाहर, तो वो निकालता है ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी, इमल्सीकरण द्वारा, इमल्सीकरण द्वारा साबुन ग्रीस से बाहर निकालता है, मतलब साबुन ग्रीस को बाहर निकालता है इमल्सीकरण द्वारा। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, आपका ये किसके किसके लिए, तो आपका पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दो स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ये चैप्टर, और 12th स्टूडेंट के लिए भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसी तरह अब अगले चैप्टर में मिलते हैं हम, अब देखते हैं अगला वीडियो किस पर आ रहा है, हाँ बायोलॉजी का भी जल्दी वीडियो आएगा आपका एक चैप्टर, तो अपना तैयारी मजबूत रखे रहिए, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।